So this is the place where we slept in the morning. मॉर्निंग में हम लोग सोए थे यहाँ पे अराउंड 10 बजे, 10 o'clock, 10:30. ये नासिक क्रॉस कर दिया हम लोग ने ना। नासिक कितना रह गया यहाँ से? नासिक ऐसे 40 किलोमीटर पीछे 40 किलोमीटर रह गया उस साइड, अंदर साइड में। इधर सब ढाबे बंद कर दिए जब से समृद्धि मार्ग चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से 4 साल पहले गया था, 4-5 साल पहले, तब सब खुले हुए थे। उस टाइम पे समृद्धि मार्ग चालू नहीं था। इधर क्या सब ढाबा बंद कर दिए, इधर होटल ढाबा लाइन से लगे हुए हैं, ढाबा ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे। अभी जाके यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे चाय वाय पियेंगे। 2 बजे उठे थे, अभी 3 बज रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। सो फाइनली यहाँ से निकले हैं अभी हम लोग शाम को। एक्चुअली जैसे आप लोग को बताया कि यहाँ पे हम लोग पहुँचे, और पहुँचने के बाद में वहाँ पे हम लोगों ने पूरा दिन स्पेंड किया। पहुँचा ही मॉर्निंग में था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डे 1 वाली वीडियो में बताया था कि नासिक से जब मैं निकल रहा था भिवंडी से आगे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ओवर ट्रैफिक, और रोड पूरा टूटा हुआ था। और बारिश की वजह से भी जो साइड वाला रोड है, जो कच्चा रोड था, वो भी पूरा गीला था, उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। सो इट वॉज़ वेरी रिस्की। तो सोनू जो है हमारे ड्राइवर जो है, और बाकी टीम मेम्बर्स ने बोला कि आप एक काम करो कि आप ये रोड को अवॉइड कर दो, क्योंकि ये बहुत रिस्की रोड है। और रात का वक्त भी हो गया था, मैं 3 बजे करीब पहुंचा था, 2:30 और 3 के बीच में गाड़ी के पास। तो उन्होंने बोला इट इज़ वेरी रिस्की, तो आप ये जो रोड है, क्योंकि इस नासिक रोड पे नागपुर, नासिक, फिर इधर मुंबई का, इधर भिवंडी का, कल्याण, डोंबिवली, ये पूरा ट्रैफिक इसी रोड पर ही है। और इतना हैवी ट्रैफिक है कि बहुत ज़्यादा पूरे में जाम ही रहता है, और रोड पूरा टूटा हुआ था। तो फिर हम लोग ने डिसाइड ये किया कि साइकिलिंग तो कर रही है, लेकिन रिस्क नहीं लेना मुझे कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए फिर मैंने जो हमारा साइकिल है वो रखी गाड़ी में, मेरा और चलाने का दिल था, लेकिन बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशंस मैंने गाड़ी में रखी साइकिल, और 40 से 45 किलोमीटर करीब चलाई होगी। उसके बाद में हम लोग, जो हमारे ड्राइवर है सोनू, वो गाड़ी को, मैंने उनको बोला था नासिक रुकने के लिए, कि मुझे नासिक भी कवर करना था, लेकिन वो नासिक पे रुका ही नहीं, मैं गाड़ी में सो गया। और सोने के बाद में जब मेरी नींद खुली, तो पता लगा कि वो नासिक को उन्होंने क्रॉस कर दिया। तो मैंने बोला भी उनको, भाई यार मुझे नासिक रुकना था, नासिक कवर करना था मुझे मेरे वीडियो में, लेकिन क्योंकि वो आगे आ चुके थे, और जगह भी बहुत प्यारी थी जहाँ पर वो रुके थे। एक तो इस रोड पर जितने भी, जैसे आपने को मैंने बताया कि ढाबा सब बंद हो चुके हैं, बहुत लोग, बस ये इसी चीज़ का एक रहता है कि इतने पेट्रोल पम्प्स हैं, इतने ढाबास थे, सब इफेक्ट कर गए बिकॉज ऑफ समृद्धि मार्ग। मैं पहले भी इस रोड से गया हूँ, शो करने गया था औरंगाबाद, तब मैं इस रोड से गया हूँ, 2 बार गया हूँ शायद में, और दोनों बार ऐसे बिल्कुल भीड़ होती थी यहाँ पे, और सब ढाबास अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस बार गया हूँ तो बहुत ज़्यादा काफ़ी कम रहा वहाँ पे। बहरहाल अभी आप देख सकते हो कि मैं जब साइकिल चला रहा हूँ तो पीछे मेरी गाड़ी चल रही है और मैं आगे जा रहा हूँ। रोड बिल्कुल खाली है, बहुत इक्का दुक्का लोग हैं, लेकिन बहुत इन्जॉय किया साइकिलिंग को। जो सोच के मैं इस रोड पे आया था, नासिक रोड पे, और अभी हम लोग नासिक से जा रहे हैं शिरडी। ये शिरडी वाला रोड है, प्लान यही कर लिया था, पहले था दूसरे रोड पे जाने का, लेकिन फिर शिरडी का प्लान किया, फिर हम लोग शिरडी गए। तो डे 2 में जो है मैं शिरडी पहुँचा हूँ साइकिल से, और अराउंड मैंने जो आज साइकिल चलाई थी, क्योंकि वो काफ़ी आगे आ गए थे नासिक से, तो 25-30 किलोमीटर की गाड़ी चलाई मैंने। उसमें भी बीच में थोड़ा सा रास्ता ख़राब था, तो जो ख़राब रास्ता था वो गाड़ी में ही रखी मैंने साइकिल। जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ से अराउंड 60-70 किलोमीटर था, लेकिन फिर थोड़ा रास्ता आगे क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद फिर मैं गाड़ी में से उतरा, और ये वाला रास्ता जो है मैंने बाय साइकिल उसको कवर किया, मैंने कवर किया 2nd डे में। एक तो क्या, बहुत सालों से चलाई नहीं है, तो एक तो वो हो गया कि चलो हम थोड़ी साइकिलिंग हो जाएगी ज़्यादा, बाकी ऑल फन, बहुत मज़ा आया।
शिरडी के अभी पहुंचने वाला हूं शिरडी। शिरडी पहुंच के फिर आपको अपडेट देता हूं कि शिरडी में हम लोग कैसे स्टे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो सब अपडेट देता हूं आपको। सो फाइनली रीच्ड शिरडी और अभी हम लोग पहुंचे हैं शिरडी और वहां पे आप देखो नाम अगर आपको दिख रहा है, ये नाम है मनी मनी, ये है मनी होटल एंड रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हैं और अभी बजे हैं 10:30, 8 तारीख हो गई है, 10:30 हो गए हैं, शिरडी पहुँच चुका हूँ। अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि हम लोगों ने जो साइकिलिंग की थी कल से लेके अभी तक, जैसे आप लोगों को पता है साइकिलिंग का मेरा मेन है। 7 तारीख को निकला मुंबई से day 1 में, ओके, और रात को निकला थोड़ा लेट, तो पीछे गाड़ी है साथ में, आप देख सकते हो पीछे अपनी टीम भी है साथ में। तो जब मैं निकला वहाँ से तो मैं अराउंड 40 किलोमीटर्स, मतलब थाने क्रॉस कर दिया था मैंने और भिवंडी के पास पहुँच गया था। तो जब मैं पहुँचा भिवंडी के पास में तो मैंने देखा गाड़ियाँ बहुत क्लोज जा रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था उस रूट पे। तो मुझे मेरी टीम ने बोला कि आप एक काम करो कि आप अभी बैठ जाओ गाड़ी में और ये वाला जो नासिक का जो हाईवे है इसको क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद में समृद्धि मार्ग आता है तो उसमें तो साइकिल अलाउड है नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने गाड़ी में रखी साइकिल, मैं आपको दिखाऊंगा क्या कैसे हम लोगों ने साइकिल रखी है गाड़ी में। और गाड़ी में साइकिल रखने के बाद में हम लोगों ने रास्ता क्रॉस किया, नासिक क्रॉस कर दिया था। नासिक क्रॉस करके सुबह मैंने आप लोग को दिखाया कि जिस जगह पर हम लोग रुके थे, क्योंकि ये जो हाईवे है पूरा, मतलब नासिक की बात का जितना भी हाईवे है, समृद्धि मार्ग आने के बाद में सब ढाबे बंद हो गए, वहाँ पे टोटल ढाबे बंद थे और मतलब पूरा रोड खाली है बिल्कुल। साइकिल चलाने का बहुत मज़ा आया लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि बहुत सारे लोग बेचारे जो वहाँ पे उनके रेस्टोरेंट्स चल रहे थे बहुत कम फुटफॉल होने की वजह से मोस्टली बंद ही थे, लेकिन जहाँ पे हम लोग रुके थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छी से उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने हम लोग को पूरी मतलब उन्होंने बोला कि आप जो यूज़ करें, वहाँ पे ट्यूबवेल उनका यूज़ किया हम लोगों ने सब, वहाँ पे बहुत फ्रेशन अप हुए, बहुत मज़ा आया, खाना वाना भी खाया वहाँ पे। तो वहाँ से हम लोग निकले 7:30 बजे, मतलब इतना अच्छा मैंने आप लोग को दिखाया था तो वो जो ढाबा था बहुत ही कमाल का लग रहा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से खाना वाना भी खाया, घूमे फिरे और घूमने फिरने के बाद में अब हम लोग पहुँचे हैं रात को, साइकिल करी है मैंने अराउंड 25 से 30 किलोमीटर्स, 25 और 30 किलोमीटर के बीच में करी है। तो कल का मैंने जो साइकिल करी थी रात को 11 बजे स्टार्ट किया था, रात को 11 बजे स्टार्ट करके मैंने 2 बजे तक साइकिल चलाई थी, बल्कि 11 से भी लेट हो गया था, 11:30 करीब बजे था। आप लोगों ने देखा होगा अयान को बाय करता हुआ आया था, अयान को, सैम मैम को, और 2:30 बजे तक साइकिलिंग की थी मैंने कल। और मैंने 40 किलोमीटर्स करीब साइकिल, 40-45 किलोमीटर्स जो मैप पे दिखा रहा था वो 40 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन हम लोग जब आते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है वो, तो 40-45 किलोमीटर कल चलाई, आज 25-30 आज चलाई। तो टेक्निकली अगर मैं बोलूँ 70 से 80 किलोमीटर 2 दिन में चलाई है, और टारगेट ये है कि डेली का 100 किलोमीटर होना चाहिए बाइसिकल। स्पीड अभी थोड़ी कम है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 3 साल बाद अभी साइकिल चला रहा हूँ। तो अभी पहुँचे हम लोग यहाँ पे और मनी होटल एंड रेस्टोरेंट शिरडी में आया हूँ। प्लान नहीं था शिरडी आने का, लेकिन रास्ते में प्लान बन गया, हाईवे से हम लोगों ने शिरडी की तरफ रुख किया। आज रात को 8 तारीख 8th of October को हम लोग शिरडी में रुकने वाले हैं और शिरडी में हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे जिनसे मिले हैं वो कैसा है। ये रिसेप्शन है सामने, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत प्यारा, और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। अभी तक का सफ़र बहुत कमाल का रहा, कल आप लोगों को अपडेट दूंगा कि रात का यहाँ पे कैसा स्टे रहा। और होटल्स के रूम बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस, आप लोग शिरडी आते हो तो आ सकते हो यहाँ पे। बाकी कल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आगे की जर्नी क्या होने वाली। कीप पैडलिंग टू, अभी सैम मैम ने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, सैम मैम ने बोला था कीप पैडलिंग और आपका जो हेल्थ है उसका लेवल आप ऊपर करो, उसको और थोड़ा सा फ्रेम करूंगा मैं कल, याद करूंगा। सैम मैम ने मुझे पूरा बताया था कि साइकिल का सफ़र सैम एंड जस के साथ, और जितना पैडल करेंगे उतना अपना हेल्थ का लेवल ऊपर करेंगे। तो ये सैम मैम ने मुझे एक फ्रेम करके दिया था, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी सब वीडियोज़ में। बाकी मिसिंग यू अयान प्रताप सिंह टुडे अलॉट, सैम मैम अयान प्रताप सिंह आई एम मिसिंग यू अलॉट। फाइनली पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, बाकी हम लोग करेंगे बात। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।